ओके हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं हैंडल लगाने के लिए। ये मैंने हैंडल मंगाया था ऑनलाइन, अभी किसका है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर अभी के लिए मैंने इसका ऐसे बांध रखा है क्योंकि इसे कैरी करने का मुझे और कोई तरीका मिल नहीं रहा था। अभी चलते हैं एक बार शॉप पे और इसको इंस्टॉल कराते हैं। ये लाइट भी देख लो, तो अभी इसको करते हैं अनबॉक्स। भाई साहब ये हैंडल है, ये हैंडल मैंने इसलिए लिया बिकॉज ये पता है एक मतलब पूरा प्रॉपर एक बॉडी है। कई हैंडल में क्या होता है, ये जो ऊपर वाली जो रॉड होती है ना जिस पे ये स्टिकर लगा रखा है, ये अलग से वेल्ड करी हुई होती है, तो इतने ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना स्टडी होते नहीं है, गिरते ही मुड़ जाते हैं, बैंड हो जाते हैं। इनफैक्ट जो ओरिजिनल हैंडल बार है इसका वो भी ना बैंड हो जाता है गिरते ही, काफ़ी सारे वीडियोज़ में दिखा था मैंने, तो मैंने एक ही बार में उसमें इन्वेस्ट कर दिया। वो थोड़े से महंगे हैं बट स्टिल। तो ये हैंड गार्ड्स हैं, ठीक है, ये है, ये मैंने लिए थे बैंडिडोस फिट शॉप से। मैंने जब इंस्टॉल कराया था उसका वीडियो मेरे से गलती से डिलीट हो गया था, इसलिए मैंने अभी अपलोड नहीं करा, बट अभी जब इंस्टॉलेशन वापस होगी तब मैं आपको बता दूंगा कैसे हो रहा है। एक दो प्रॉब्लम आई थी वो मैं आपको भी बता दूंगा क्या प्रॉब्लम आई थी। तो ये इसका पुराना वाला हैंडल बार, ऑल्दो ये भी काफ़ी भारी है। ये अपने राइजर्स जो अपने इंस्टॉल कराए थे, अभी कोशिश ये कर रहे हैं ना कि राइजर्स के साथ ही लग जाएगी। भैया बोल रहे हैं लग जाएंगे, मुझे लगता नहीं है बिकॉज इसके एक्सीलेटर वायर और क्लच वायर छोटे हैं, तो देख लेते हैं एक बार लग जाए तो अच्छी बात है। अभी DRL का कनेक्शन दिया है, ऐसे कुछ लग रहे हैं, इंडिकेटर का दे नहीं रहे क्योंकि इंडिकेटर बहुत ही गंदे हैं इसके। और कनेक्शन दिया है वो पायलट लैंप होता है ना हेडलाइट में, उससे, ताकि मतलब कोई अलग अलग से स्विच विच नहीं लगाना पड़े। और हेडलाइट का मैं अलग से स्विच लगाऊंगा इसलिए हेडलाइट के साथ नहीं दिया है। तो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, अब एक बार इसकी पोजीशन सेट कर रहे हैं और ये सेट करने के बाद चलते हैं बाइक पे और बताता हूँ कि हैंडल बार सही है कि नहीं है। ओके सो अभी मुझे हो गए हैं 5-7 दिन करीब बाइक को इस हैंडल के साथ चलाते हुए, एंड अभी मैंने सोचा एक बार आपको ढंग से रिव्यू दे देता हूँ हैंडल का कि क्या डिफरेंस आया है हैंडल लगाने के बाद, और आपको हैंडल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर राइजर्स लेने चाहिए क्योंकि राइजर्स सस्ते पड़ते हैं, 1000 रुपये के पड़ते हैं, और ये आपको 2000-2200 करीब का पड़ता है। तो उसकी बात करेंगे आज अपन। तो अगर मैं आपको एक लाइन में जवाब दूँ ना हैंडल का, तो मैं तो ये बोलूँगा भाई लगा लो, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट हैंडल बार जो अभी अवेलेबल है मार्केट में। एक और हैंडल बार देखा था मैंने जिसके रिव्यूज़ कम थे, बैरल एग्जॉस्ट का, तो उसके इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं थे इसलिए मैंने वो नहीं लिया, नहीं तो मैं उसको भी एक ट्राई देता, क्योंकि आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार तो सब जने लगा रहे हैं, एक बार मुझे उसको भी ट्राई देना था। बट जो कि मैंने अभी ये ले लिया है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये बेस्ट हैंडल बार है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये हैंडल बार लगाने के बाद आपकी जो हाइट हैंडल बार की वो ऊंची होगी कि नहीं स्टॉक हैंडल बार से। तो मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ऊंची होगी बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो उसके लिए एक जुगाड़ है, उस जुगाड़ का जो वीडियो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, शायद HDT कस्टम्स का वीडियो है या किसी का तो वीडियो है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भी आप हैंडल बार डो और आपको लगे ऊंचा नहीं है तो वीडियो देख लेना, वो जुगाड़ करा लेना और हैंडल बार बराबर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। मैंने भी वो करा रखा है, तो मेरे को अभी जो ये पोजीशन है ना वो परफेक्ट लग रही है। तो हाईवे पे जाएंगे तो हाईवे पे भी मैं आपको जो वीडियोज़ होंगे उसके अंदर आपको बता दूंगा कि हाईवे पे लॉन्ग जब हम लोग चला रहे हैं, लॉन्ग राइड कर रहे हैं, तब कैसा रह रहा है। सिटी में तो यार मेरे को बहुत कंफर्टेबल लग रहा है और इतनी आराम से मनूवर हो रही है ना बाइक, बहुत ही अच्छा हैंडल बार है। दूसरी चीज़ हैंडल बार के साथ ने मुझे बात करनी थी हैंड गार्ड्स की। हैंड गार्ड्स को भी मैंने टेस्ट कर लिया है भाई, टेस्ट मतलब ठोक के देख लिए मैंने बाइक तो अंगुलियाँ बच गई। अगर हैंड गार्ड्स नहीं होते तो उस टाइम मेरे ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे, अंगुलियाँ नहीं बचती। तो हैंड गार्ड्स भी ये बेस्ट हैंड गार्ड लगे मेरे को दिखने में भी और क्वालिटी में भी। और जिस हिसाब से इसके अंदर लाइट इंटीग्रेट कर रखी है ना, इतने सुंदर लगते हैं हैंड गार्ड्स। तो हैंड गार्ड का मैं आपको बोलूँगा 2021 करीब का हैंड गार्ड पड़ेगा, वो भी आप ले लो। इसमें 3 कलर आते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। और जो भी हैंड गार्ड लो उसके अंदर ये चीज़ देख लेना कि जो लोहे की रॉड होती है ना, सेफ्टी प्रोटेक्ट आपको ये करेगी, ये लोहे वाली रॉड, ठीक है। ये अगर आप नहीं लगाओगे ना तो हाथ नहीं बच सकता। भाई कई लोग क्या करते हैं कि KTM के जो प्लास्टिक वाला आते हैं ना हैंड गार्ड्स, वो लगा लेते हैं, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। प्लस ये जब आप हैंड गार्ड लगाते हो ना, तो मेरे को एक प्रॉब्लम आई थी। तो ये जब आप हैंड गार्ड लगाओगे, स्पेशली हिमालयन में, मुझे हिमालयन का ही पता है, जब ये लगाया था ना तब इसके जो एक्सीलरेटर वायर है ना वो खींच रही थी, तो गाड़ी रुकी नहीं रही थी भाई। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, एक बार पूरा ढंग से राइट लेफ़्ट करके देखना हैंडल को कि वायर खींच तो नहीं रहा है। और दूसरी बात, आपको जो लीवर है उस पर भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं ऐसे आप एक्सीलरेट करते हो ना तो रेस नीचे जा ही नहीं रही थी, वापस कम हो ही नहीं रही थी। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना। आप मेरे साथ ये हुआ था, आपके साथ नहीं हो तो बाकी सब कुछ बढ़िया है। ये दोनों हैंडल और हैंड गार्ड का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये था मेरा कुछ रिव्यू और इंस्टॉलेशन वीडियो। तो मिलते हैं ऐसी किसी अच्छे से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।